हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अमेजिंग सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हाथों के कलर को जो है, मेहंदी का जो कलर है, डार्क स्टेन किस तरीके से करें, जो ब्राइडल है उन पे भी ये कलर बहुत ही ज्यादा गहरा चढ़ने वाला है और बहुत ही सिंपल मेथड है। घर पे आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है आगे आने वाले फेस्टिवल हैं और उसमें जो है, और ये जो मेहंदी मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी ना, ये ब्राइडल पे भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अमेजिंग कलर देता है। जो भी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथों पे कलर नहीं रचता है, गहरा नहीं होता है, फीका फीका सा रहता है, और जब भी आता भी है तो छुलटों की सूरत में होता रहता है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा गहरा डार्क स्टेन मिलने में आपको हेल्प मिलेगी और कलर जो है लॉन्ग लास्टिंग रहने के साथ साथ जो है बिल्कुल ही छुलटों की सूरत में नहीं उतरेगा और अमेजिंग जो है आपको कलर देने में भी बहुत ज्यादा ये रेमेडी हेल्प करेगी। एंड जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है नेचुरल चीजों से बनती है एंड काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गैस पे मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है। उसके बाद इसमें जो है 2 कप के करीब मैं पानी को ऐड कर लूंगी। गाइज, अगर आप बल्क में बना रहे हो तो उसी रेशियो से आप डबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो उसी रेशियो से आप जो है कर सकते हैं। आप जो है फेस्टिवल के लिए या फिर जो है वेडिंग के लिए पहले से कोन की प्रिपरेशन को जो है बना के भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 कप के करीब मैंने पानी को इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो है चाय पत्ती जो है मैं इसमें 3 चम्मच के करीब डाल दूंगी। चाय पत्ती जो है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है आपके जो मेहंदी को डार्क स्टेन करने में। तो यहाँ पे जो है 3 चम्मच के करीब जो है मैं चाय पत्ती को डाल दूंगी। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली वर्क करने के साथ साथ जो है ब्राइडल का जो कलर है, आप सभी लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा और गहरा कलर आता है, तो ये जो है इतना अच्छा कलर देने के साथ साथ जो इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बहुत ज्यादा डार्क स्टेन देने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 3 चम्मच के करीब मैंने चाय पत्ती को डाल दिया है। उसके बाद इसमें उतनी ही क्वांटिटी में जो है मैं 2 चम्मच के करीब शुगर को ऐड करूंगी। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट मस्ट है आपको डार्क स्टेन कलर देने में। तो यहाँ पे शुगर को इसलिए मैंने ऐड किया है बिकॉज जब भी हम शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर जो है एक अच्छा स्टिकनेस आपके इसमें मेहंदी में लाता है, जो कि बहुत जरूरी है। जो मेहंदी भूरी भूरी सी होती है उसको खत्म कर देता है और एक अच्छा खासा जो है स्टिकनेस लाता है जो हाथों पे लॉन्ग लास्टिंग आपके रहती है। तो ये दोनों ही चीजों को आपने मिला देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने पकने देना है, तब तक जब तक जो है 2 कप का पानी 1 कप नहीं रह जाए। अच्छा जी, जब ये पकने लगे तो इसमें जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जाएगा 4 से 5 लौंग आपने इसको डालना है। लौंग आपने जरूर से डालना है। अगर आपके पास जो है लौंग का तेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो अगर आपके पास लौंग भी अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा गहरा और अमेजिंग कलर आता है। तो यहाँ पे 4 से 5 लौंग मैं इसमें डाल दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अच्छी तरीके से पकना शुरू हो चुका है। इसको जो है 2 कप से 1 कप जब ये रह जाए उसके बाद ही जो है इसको जो है हमने गैस के फ्लेम को बंद करना है, तो इसको अच्छी तरीके से पकने देना है। जो भी हम नॉर्मल मेहंदी को बनाते हैं, ब्राइडल की मेहंदी, उससे थोड़ी सी एडवांस होती है। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डलते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा, गहरा और लॉन्ग लास्टिंग कलर बना रहे, और जो है क्योंकि ब्राइडल का जो कलर है वो काफी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा गहरा होता है, तो उसी मेथड से मैंने आपको बनाना यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो कि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बेसिक से इंग्रेडिएंट है, लेकिन जो है कोई भी हार्मफुल इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा आपको गहरा कलर देगा और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। बहुत लोगों की कंप्लेन है कि हमारी मेहंदी बहुत जल्दी उतर जाती है, फीका फीका कलर होता है, तो जो है वो कंप्लेन भी खत्म हो जाएंगी एंड जो है कलर भी बहुत ज्यादा गहरा होगा और जल्दी भी नहीं उतरेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा सा देर में हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से पक चुका है, क्योंकि जब 2 कप से 1 कप रह जाए उसके बाद ही हमने गैस के फ्लेम को करना है बंद।
आप ये पैन के साइड में देख सकते हैं कि जो है ये इस तरीके से जो है आपकी क्वांटिटी रहनी चाहिए। आप यहाँ पे पैन के साइड में देख सकते हैं क्वांटिटी भी जो है आपकी वाटर जो हमने मिक्स किया था 2 कप वो कम हो जाना चाहिए और जो है इतना रहना चाहिए कि जितनी सारी जो हमने 2 चीजें 3 चीजें डाली इसकी पूरी गुडनेस इसमें आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्लियरली आप देख सकते हैं कि पूरा पानी का कलर जो है अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। इस मोमेंट पे हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल ले लिया है और ये जो है आपको इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। जब ये हल्का सा वॉर्म हो तभी आपने इसको छान लेना है। बहुत ज्यादा जो है आपने इसको जो है ठंडा नहीं करना है। हल्का सा वॉर्म हो तभी आपने इसको छान लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कप पानी मैंने 2 बाउल को पानी लिया था और अभी ये सिर्फ 1 बाउल रह गया है। तो जब आधी क्वांटिटी रह जाए तभी आपने इसको ले लेना है। पहले तो जो है मैंने आप लोगों के सामने ही इसकी पैकेजिंग आप लोगों को बताई, कट भी आप लोगों के सामने किया ताकि मैं आपके सामने जो है लाइव डेमो दिखा सकूं। तो 1 बाउल मैंने यहाँ पे ले लिया है एम्प्टी बाउल और 5 से 6 चम्मच जो है मैंने यहाँ पे हीना पाउडर जो 100% नेचुरल जो है हीना पाउडर को इसमें ऐड किया है। गाइज ये मेहंदी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अमेजिंग कौन से बहुत ही ईजिली निकल जाता है और ये इसको जो है आपको छानने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली भी जो है आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेहंदी कौन के लिए। अच्छा यहाँ पे जो है चाय पत्ती का पानी मैंने लिया है और यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है मैंने हमेशा चाय पत्ती के पानी से ही बनाए। जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उतनी ही अमाउंट जो है वाटर आपने इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पहले से ही पानी नहीं डालना है वरना गाटे हो जाती है, फिर मिक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करें और जो है अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी गाठे लम्स वगैरह ना रहे। एकदम से बहुत ज्यादा पानी ना डाले और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालोगे तो इजी हो जाता है मिक्स करने के लिए। अच्छा जी उसके बाद जब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है उसके बाद जो है आधे से 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से ढक के रख दिया था। आप फॉइल पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलीथीन रख सकते हो, बस आपको इसको ढक के जो है आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जितनी भी अच्छा गहरा और कलर आने के लिए आपको ये स्टेप ज़रूर से करना है ताकि और भी ज़्यादा है। सीक्रेट फॉर डार्क स्टेन के लिए जो है ये टिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद जो है आधे से 1 घंटा हो चुका है, हाफ एन आवर के बाद आप देख सकते हो कि मेहंदी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है एंड देन उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 ग्लास के करीब पानी और जो है ये जब अच्छी तरीके से इसमें उबाल आने लगे रोजमेरी लीव जो है ड्राइड रोजमेरी जो है जो भी आपके पास अवेलेबल है जो इजीली आपको मिल जाए वो रोजमेरी आपने डाल देना है। बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाता है लेकिन रोजमेरी जो होता है ये बालों को बहुत ही ज़्यादा जो है लंबा घना और मजबूत बनाने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पर जो है 1 चम्मच के करीब मैंने रोजमेरी लीव्स को ले लिया है। यहाँ पे जो है 1 चम्मच के करीब मैं रोजमेरी को डाल दूंगी। गाइस अगर आपके पास डायरेक्ट प्लांट वाला रोजमेरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मेरे पास जो ये ड्राइड वाला था वो मैंने लिया है। तो ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। रोजमेरी के अमेजिंग बेनिफिट है हमारे हेयर पे, ये जो है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, गंजेपन को खत्म कर देता है, बालों को बहुत ज्यादा लंबा घना बनाने में हेल्प करता है। जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो उसको भी ये खत्म कर देता है। एंड जो और मैं अच्छी आप लोगों को बात बता दूं कि जो नर्सरी से प्लांट भी मिल जाता है रोजमेरी का वो भी आप घर पे लगा के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो या पसंद है तो वो आप जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो रोजमेरी आपने ले लेना। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें जो है उबलते हुए पानी में रोजमेरी को डाल दिया है और जब ये अच्छी तरीके से जब वह पकने लगे, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है एंड रोजमेरी का जो कलर है जो हमने डाला था पानी में वो जो है कलर भी जो है पानी का चेंज हो गया है। इसी मोमेंट पे जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे बीट रूट जो होता है ये हमारे बालों को नेचुरली कलर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड जो सबसे अच्छी बात है कि बालों के लिए बहुत अमेजिंगली जो है वर्क भी करता है। ये नेचुरल कलर देता है हमारे बालों को, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है।
नेचुरल बरगंडी जो है ब्राउनिश रेडिश कलर का जो कलर आता है वो आता है एंड जो है ये बिल्कुल भी नहीं उतरता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो जो है बीटरूट जो है बहुत इजीली मार्केट में मिल भी जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बीटरूट का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल बीटरूट जो होता है वो अगर आप डालते तो बहुत अच्छा कलर आता है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो यहाँ पे जो है मैंने हाफ बीटरूट को जो है कट करके इसमें डाल दिया है और इसको हम जो है अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। देख सकते हैं आप इंस्टेंट जो है इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से हमने पका लेना है। हमने एक ग्लास के करीब पानी को डाला था, ये जो है अब आधा ग्लास से भी कम रह गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और पका लेना है गाइज। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ चम्मच के करीब जो है, आधा चम्मच के करीब चाय पत्ती। चाय पत्ती जो है अमेजिंगली वर्क करती है बालों के ग्रेइंग हेयर को खत्म करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, और जो है नेचुरल शाइन देती है और जो है बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाती है। जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अमेजिंग बेनिफिट है, ये जो है हमारे ग्रेइंग हेयर को खत्म कर देती है। तो यहाँ पे जो है हाफ चम्मच के करीब जो है मैं इसमें चाय पत्ती को ऐड कर दूंगी और ये सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा और पका लेंगे एंड देन जो है हम अपनी गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग कलर आया है और जो है ये बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक अमेजिंग हेयर टोनर बनके रेडी है। आप चाहो तो जो है डायरेक्टली इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली वर्क करने के साथ साथ जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है एंड बालों को जड़ों से ही बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है और बालों को जो है एक वॉल्यूम ऐड कर देता है, ड्राइनेस फ्रिजीनेस को खत्म कर देता है। यहाँ पे जो है मैंने एक एम्प्टी ग्लास को ले लिया है, उसके बाद जो है ये हमारा अमेजिंग सा टोनर बनके रेडी हो गया है। उसके बाद इसको जो है हम एक छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से छान लेंगे और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जो है नहाने से आधा घंटा एक घंटा पहले जो है अच्छी तरीके से अपने जो है स्कैल्प पे इसको अप्लाई करके जो है 5 से 10 मिनट इसको मसाज कर लेना है। आपने इस टोनर को पीना नहीं है, अपने स्कैल्प पे अच्छी तरीके से मसाज करना है, या तो फिर जो है आप इसको मेहंदी में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं या फिर जो है हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपके बालों की ग्रोथ होती ही नहीं है तो उसमें भी अमेजिंगली वर्क करेगा। जो सबसे अच्छी चीज है ना कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमेजिंगली वर्क करते हैं हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और जो भी मैंने इसमें ऐड किया है चाय पत्ती एंड बीटरूट, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट है, हमारे जो है बालों को नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है एंड जो है सबसे अच्छी बात ये है कि ये बालों को जड़ों से ही बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। तो ये टोनर को जो है हफ्ते में आप एक बार जरूर से ट्राई करें एंड ये टोनर को आप हफ्ते में एक बार जरूर से अप्लाई करें, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एंड जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है आपके बालों को बहुत अच्छा और गहरा कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, नेचुरली बालों को लंबा एंड स्मूथ बनाता है। आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।